फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा अच्छा लग रहा है. इनफैक्ट सब मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में था और इंग्लिश की डब फिल्म देखते थे तो हमेशा भाषा बड़ी विचित्र लगती थी कि यार बहुत शुद्ध संस्कृत का यूज़ होता था यू नो, और आप जो विजुअल्स देख रहे हैं वो उसके साथ मैच नहीं करते. तो मैं जब इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया तो मैं उन्हें वही बोल रहा था कि कम से कम हम लोग भाषा सिंपल रखेंगे ताकि लोग रिलेट कर पाएँ. और जितना भी डब किया है काफ़ी मज़ा आ रहा है एंड आई एम रियली एंजॉइंग इट, और ख़ासकर विजुअल्स देख के. और यू नो आई थिंक इट गिव्स यू अ किक कि आप सही जा रहे हैं. गाड़ी में तो आग लगी थी, मैं दूसरी गाड़ी से आया हूँ, दूसरी एक गाड़ी तो वहीं खड़ी हुई है. देखते हैं, आई थिंक लकी इनफ कि यू नो नुकसान नहीं हुआ किसी का, बट हाँ गाड़ी तो ख़त्म हो ही चुकी है. धर्म जी याद आते हैं, आई थिंक यू नो धर्म यू नो जब मेबी सलमान विल लुक वेरी नाइस प्लेइंग हरक्यूलिस. आई थिंक ही हैज गॉट द पर्सनालिटी टू प्ले हरक्यूलिस. जरूर और भी अच्छा होता है. आई एम श्योर कि आवाज़ सुनकर शायद कोई डायरेक्टर कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर की यू नो घंटी बजे और बोले कि चलो इसके साथ भी बनाते हैं, यू नेवर नो. नहीं ऐसा नहीं, हॉलीवुड आई थिंक बॉलीवुड में भी क्यों ना बने. आई थिंक हमारा बॉलीवुड भी आज हॉलीवुड से कम नहीं है. आई थिंक वी आर मेकिंग ग्रेट फिल्म, बट एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग गुड रोल्स टू प्ले. मैंने इनफैक्ट मुझे याद है कि जब पहली दफ़ा मुझे अप्रोच किया गया इसके लिए तो मैंने उन्हें मैंने फिल्म के काफ़ी विजुअल्स देखे, बहुत कमाल के लगे मुझे. और मेरा एक ही सवाल था कि यार हम लोग भाषा, मुझे पता नहीं था कि कैसी है, पर मैंने यही बोला कि भाषा थोड़ी सिंपल रखेंगे ताकि हम लोग रिलेट कर पाएँ. और आज भी जब हम डब करते हैं फिल्म को तो काफ़ी चेंजेस लेके आते हैं, यू नो जो हिंदी स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ताकि यू नो मैं हमेशा ऐसे देखता हूँ कि अगर मैं एज एन ऑडियंस वो फिल्म देख रहा हूँ, डब इंग्लिश फिल्म देख रहा हूँ, तो मैं रिलेट कर पाऊँ, मुझे कुछ अटपटा ना लगे, कुछ ऐसे शब्द यू नो जो मुझे लगता है कि शायद मैं भी अपनी निजी ज़िंदगी में नहीं बोलता हूँ, तो हरक्यूलिस कैसे बोलेगा. तो हम लोग कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करके जो हमारे यू नो स्क्रिप्ट डायरेक्टर हैं उनके साथ कुछ ऐसे ऐसे लाइन्स बना लें जो लोगों को डेफिनेटली पसंद आएंगे. आई वुड से I've always been a huge fan of Sylvester Stallone. मुझे लगता है कि मैं उनकी फिल्में देख के मैं काफ़ी इम्प्रेस रहा हूँ, और आई थिंक मैंने एक्सरसाइज भी उन्हीं को देख कर शुरू की थी. उनकी अगर कोई भी फिल्म बनी एंड आई वुड लव टू डब इट. डेफिनेटली आई फील कि एक तो बजट सबसे बड़ी चीज़ है, इतने नहीं, बट आई थिंक प्रोडक्शन बजट अभी भी वहाँ तक नहीं पहुँचा है. यू नो आई थिंक दे आर ह्यूज और इंटरनेशनल मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है, और हमें थोड़ा वक्त लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए. और फिर भी आई थिंक प्रिपरेशंस जो हैं बहुत यू नो समय लगाते हैं वो लोग फिल्म बनाने में, 5-5, 6-6 साल का प्री प्रोडक्शन होता है. हम लोग यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे एक्टर्स भी बिजी हैं, और आई थिंक स्क्रिप्ट लॉक हो ना हो, अगर एक्टर डायरेक्टर रेडी है तो कहानी शुरू हो ही जाती है, तो प्री प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है. आई थिंक नहीं दे पाएगा, यू नो फ्रैंकली स्पीकिंग प्रैक्टिकल नहीं है यहाँ पे. सब लोगों को जल्दी ख़त्म करके जल्दी अगली फिल्म शुरू करनी है, तो आई थिंक वो जो कंसेप्ट है अभी तक तो नहीं आया है. मे बी इन फ्यूचर इट मे कम. पहले तो मैं बड़ा नहीं मानता हूँ अपने आप को, शुरुआत ही है, बट लाइक आई सेड मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट थी. मुझे लगा कि एक ऐसी फिल्म जिसके साथ मैं रिलेट कर पाऊंगा. मैंने भी यू नो सबसे पूछा गिरीश से, यू नो दीपक जी से कि मैं क्यों, बट आई दे थॉट कि यू नो मे बी आप फिटनेस की तरफ आपका यू नो एक इंक्लिनेशन है और लोग रिलेट कर पाएंगे हरक्यूलिस के साथ. फिर एक वॉइस लोग पहचानते हैं जो थोड़ी बहुत फिल्म्स की हैं, तो उसके कारण एक कनेक्शन ज़रूर था. बट लाइक आई सेड यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब मैं वो विजुअल्स देखता हूँ मैं कनेक्ट कर पाऊँ. अगर मैं दौड़ रहा हूँ किसी के साथ लड़ने के लिए तो मैं वो फील कर पाऊँ स्क्रीन पे, और जब तक वो फिजिकलिटीज नहीं मिलेंगी तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो कनेक्शन बन नहीं पाएगा. आई वुड से दैट माइट बी द रीज़न फॉर दैट. उसकी खासियत मुझे जैसे आपने बोला कि कहानी की, आई थिंक
मैंने आज आजकल देखा, आई थिंक आप सब लोगों ने रियलाइज किया होगा कि इमोशंस बड़े कमाल के आजकल हॉलीवुड में देखने को मिल रहे हैं. यू नो आई थिंक वो कहीं ना कहीं इंडियन इमोशंस को भी खूब यूज़ करते हैं. मैंने इसमें हरक्युलिस का भी यू नो एक एंगल है कि किस तरह वो जब उसे अपने राज्य से निकाल दिया जाता है और किस तरह अपनी जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसको जीतने के लिए वापस आता है और यू नो लड़ता है उसके लिए. तो आई थिंक हमारी हिंदी फिल्म में भी ऐसा बहुत कुछ होता है कि यू नो हीरो को निकाल दिया जाता है और वो तैयार होकर वापस यू नो अपने प्यार को जीतने के लिए आता है. आई थिंक हरक्युलिस के अंदर भी वो एंगल है. और अब इससे खासकर जब मैं बोलता हूँ कि इमोशंस की बात, बट अब अभी अपने को हम लोगों को देखने को मिलता है कि हॉलीवुड के अंदर वो इमोशंस हर फिल्म में यू नो कहीं ना कहीं दिखाते जरूर हैं. यू नो ऑफकोर्स मैंने यू नो मैंने हमेशा कोशिश की, मैंने हमेशा प्रोड्यूसर्स को बोला, बट फ्रैंकली स्पीकिंग एक आवाज़ मिल गई जो मेरे साथ काफ़ी मिलती थी. यू नो रवि जिन्होंने डब की थी मेरी वॉइस, और मुझे याद है कि जब उन्होंने डब की थी, इनफैक्ट ही कॉल्ड मी, ही सेड कि मैंने बहुत सारी फिल्म्स डब की है बट अरुंधति मुझे बहुत मुश्किल हुई क्योंकि प्रोड्यूसर का एक ही रेफरेंस था कि सोनू की आवाज़ को पकड़ो, सोनू की आवाज़ को पकड़ो. तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं एक यू नो आपस में सिमिलैरिटी है वॉइस में, तो इसलिए वो थोड़ी सी चीटिंग कर लेते हैं कि इधर यहाँ शूटिंग में बिजी हो जाते हैं तो भैया आप डब कर दो, सो एटलीस्ट वो डेट्स यहाँ शूटिंग में काम आ जाती हैं. तो आई थिंक वो थोड़ी सी चीटिंग चल रही है फिलहाल, बट आई लव टू डब सून. वेरी सुन, इनफैक्ट इन जोधा अकबर आई डिड बिट ऑफ इट, उसमें भी यू नो घोड़े दौड़ाए और तलवारों के साथ लड़ाई लड़ी थी. बट लाइक आई सेड यू नो इट्स ऑल यू नो हिस्टोरिकल मूवीज काफ़ी मुश्किल होती हैं. आई रियलाइज वाइल्ड शूटिंग फॉर जोधा अकबर, बट जब हम देखते हैं ऐसे विजुअल्स को तभी हमें यू नो वी गेट द किक, क्या कमाल शूट किया. बट आई थिंक देयर इज लॉट्स ऑफ एफर्ट दैट गोज बिहाइंड इट, सो आई रियली रिस्पेक्ट ऑल द फिल्म मेकर्स हू थिंक. I've read, you know, Kellen, I remember when he was approached for this role and he really wanted to go really big for this role of Hercules, and his director said, you know, I don't want you to be really big, just work on your abs. I want very, very fit abs, you know, and just do that. So if you see actually Hercules, he's not that big, you know, if you talk about, you know, we have seen other periodic films also. He's lean and fit on his abs. So I was reading through his, you know, preparations that had gone through while preparing for Hercules. So I think, it's high time we all actors also start working that hard for our films. Twilight is one which I think that's one reason for him to get this film also. But like I said, you know, inspired zarur kiya fitness ke liye, you know. But main bhi khair exercise karta hai, aisa nahi ki main inko dekh ke maine fitness shuru kiya ya six packs banane shuru kiya. But like I said, I was going through his preparation for the role and I think these guys get time, you know. मुझे याद है कि वो बोलते हैं कि अगर आपको छः महीने सब काम छोड़ के सिर्फ फिजिक बनानी है, सो यू आर पेड फॉर दो सिक्स मंथ्स, क्या भैया घर बैठे काम एक्सरसाइज करें और यू गेट पेड फॉर इट. सो आई थिंक दैट्स व्हाट हॉलीवुड इज. मैंने एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं है कैश का पोस्टर, बट हाँ किसी कुछ तिजोरी से निकलने का मुझे बताया जरूर था किसी ने, बट आई एक्चुअली विजुअली आई हैवंट सीन इट. बट बहुत सारी फिल्में होती हैं जिसमें तीन चार हीरो खड़े होते हैं, आई थिंक, बट स्टोरी बिल्कुल अलग है कैश से. कैश इज़ अ ग्रेट फिल्म, बट पोस्टर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आई थिंक चेहरे अलग हैं, कहानी अलग है और कहानी बताने का तरीका अलग है. तो एज लॉन्ग एज पीपल इन्जॉय इट एंड दे हैव लव्ड वॉचिंग इट, सो आई थिंक वी आर हैप्पी. It's too early to talk about it. वक्त है बहुत happy new year में आने में, लेकिन I think moral responsibility as an actor भी कि क्यों भैया अभी तो वक्त है, अभी काहे को बात करना है यार. I would say आशुतोष गोवारीकर and संजय लीला भंसाली. Thank you so much, sir.
का अभी आधी करीबन डबिंग खत्म हो चुकी है. रियली इंजॉयड इट, बहुत मज़ा आ रहा है. इनफैक्ट दोज विजुअल्स आर सो बिग सो ह्यूज, इतने कमाल के हैं कि आवाज़ भी के लिए भी खूब मेहनत करनी पड़ती है कि वो मैच कर पाए उन विजुअल्स को. बट लाइक आई सेड, यू नो, इट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस डबिंग फॉर एन इंग्लिश फिल्म और आई एम थॉरली एंजॉयड. इट गिव्स यू अ हाई. मैंने इनफैक्ट प्रोड्यूसर से भी सवाल पूछा था कि मैं क्यों, बट लाइक दे सेड कि यू नो हर्क्यूलीज है, थोड़ी फिजिकैलिटीज हम लोग चाह रहे थे कि यू नो एक कोई फिट एक्टर चाहिए और यू नो दे कुड रिलेट टू द वॉइस. आई थिंक दैट्स अ रीज़न मैं ये फिल्म कर रहा हूँ. बट लाइक आई सेड, यू नो द एक्सपीरियंस हैज बीन वंडरफुल और थरली एंजॉय. बट आई मेट यू नो व्हेन लाइफ ऑफ पाय बन रही थी तब मेरी एंगली से मुलाकात हुई थी. काफ़ी समय तक यू आर ईमेल से एक्सचेंज होते रहे. आई मेट हिम ऑल्सो जब बॉम्बे आए थे वो लोग. बट आई थिंक ग्रेट पीपल, दे थॉट कि यू नो आई वाज टू यंग फॉर द रोल. आई थिंक इरफान डिड दैट रोल फाइन. बट लाइक आई सेड, यू नो इंडियन सिनेमा इतना ग्रो हो चुका है कि यू नो ऑल द पीपल आर वॉचिंग यू. आपके काम को मॉनिटर किया जाता है. सो वेन एवर इट हैपन्स, इट विल हैपन. एक्चुअली डन ए फिल्म कॉल सिटी ऑफ लाइफ, यू नो, जिसमें बहुत सारे हॉलीवुड एक्टर्स थे और दुबई में शूट हुई थी फिल्म. वो फिल्म ने इंटरनेशनल सर्किट पे काफ़ी यू नो धमाल मचाया था. आई थिंक दे सॉ जो कास्टिंग डायरेक्टर्स, उन्होंने वो फिल्म देखी थी जिसके कारण मुझे वो ऑफर आया था उस समय. आई थिंक आई थरली एंजॉयड इट. या मैंने भी ऐसा सुना था. बट लाइक आई सेड, यू नो अक्षय भी फैमिली हैं. हम लोग यू नो साथ में एंटरटेनमेंट शूट करके आए हैं. यू नो एकदम बड़े भाई जैसे हैं मेरे. और जब तक मैं करूँ वो करें, वो भी पंजाबी हैं, मैं भी पंजाबी हूँ. सो आई थिंक पंजाबी कोई भी करे, कोई क्या फ़र्क पड़ता है. बट एज लॉन्ग एज यू नो द फिल्म इज़ गुड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता.